हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। आज की वीडियो लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए होने वाली है लिब्रन, और थोड़ी सी अलग होगी ये वीडियो। टॉपिक है कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या चाहते हैं ईश्वर। आपका रिलेशनशिप हो या आपका करियर हो, आपके मनी मैटर्स हो, कुछ भी, किसी एक टॉपिक पे नहीं होगी ये वीडियो। देखते हैं कि ईश्वर की आपके लिए क्या गाइडेंस है। ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, सबके साथ मैच नहीं कर सकती। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड है। तो चलिए लिब्रन, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपका कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल। नाइन ऑफ कप, थ्री ऑफ सॉर्ड, फोर ऑफ पेंट्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ को ग्रोथ करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी। उस ईश्वर की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं कि आपको उसका फल मिलेगा। आप सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। कुछ चीजें हैं जो आपके सामने उतने अच्छे ढंग से नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे फुल एक क्लैरिटी मिले तो ही मैं आगे बढ़ूं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कभी कुछ मिला ही नहीं। आपकी लाइफ में एक प्यार, एक अपनापन, एक सिक्योरिटी, ऐसी चीजें रही हैं जिन्होंने आपको सिक्योर करके रखा है। कुछ ऐसे रिलेशनशिप आपकी लाइफ में रहे हैं जिन्होंने आपको सिक्योर करके रखा है। बट मुझे लगता है कि सारी चीजें आपने भी कभी किसी के साथ में रिवील नहीं करी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप हाइड करके रखते हैं, छुपा के रखते हैं। यहाँ कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है कि परेशानियां आपके जीवन में आई है और आपने उनका डट के मुकाबला किया है। कोई रिलेशनशिप हो सकता है या करियर हो सकता है, उसमें कहीं ना कहीं आपने बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना किया है। यहाँ मुझे लगता है कि किसी की बातों को आपने अपने दिल के अंदर बिठा के रख लिया। किसी ने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई किसी की वजह से, और ईश्वर के आगे आपने प्रार्थना करी कि वो ही अब इस चीज से आपको मुक्ति दिलाए। आगे आपके लिए चीजें काफी स्मूथ रही। सक्सेस और दिल टूटना, दुखना और सक्सेस, दोनों चीजें मुझे यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही हैं। किसी की वजह से आपका दिल भी दुखा है। हो सकता है आपको कोई रिलेशनशिप लिब्रा रहा हो जिसकी वजह से आपका दिल जो है वो दुखा हो, लेकिन यहाँ मुझे मैरिज भी नजर आ रही है। आगे एक स्टेप में आपकी मुझे मैरिज नजर आई, सक्सेस नजर आई। आपकी डिजायर, आपकी विश जो भी थी वो फुलफिल ही होना मुझे यहाँ पे नजर आया। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पे 50-50% वाले चांसेस रहे कि चीजों में, आपने रिश्तों में हो या फिर किसी भी तरीके से आपने दिल आपका दुखा, लेकिन आगे आपको सक्सेस भी नहीं मिली। ईश्वर की गाइडेंस आपको यही है कि आपको अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए, एनालाइज करना चाहिए पूरी परिस्थितियों को। अपने दिल में आपका दिल, आप किसी भी काम को करने के लिए आपका दिल क्या कहता है। अगर वो ये कहता है कि हाँ ये सही है, तो आपको उसको आगे बढ़ना चाहिए। भले ही बंदिशें हैं, भले ही तकलीफें हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं डबल माइंडेड मत होइए। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग डबल माइंडेड भी हो सकते हैं। कुछ लोग इतनी ज्यादा तकलीफ में भी हो सकते हैं कि अब कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सोल्यूशन है। ईश्वर कह रहा है आप अपने दिल की आवाज सुनिए, तकलीफों से आपको खुद बखुद मुक्ति मिल जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो यही बोलता है कि आपको तकलीफों से 100% मुक्ति मिलेगी। टू ऑफ कप भी है यहाँ पर। कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जो आपको हर तरह से सक्सेस पहुंचाएगा। यहाँ मैं कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहूंगी कि अगर रिलेशनशिप की यहाँ पे बात हो रही है, तो किसी रिलेशनशिप का एंड होके आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में गए। और दूसरा, ईश्वर की आपको यही गाइडेंस है कि तकलीफें भले ही बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज सुनिए। और आपको कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ सकता है जो कि आपको ऐसा लगे कि भाई ये तो बिल्कुल अलग दुनिया से के खिलाफ जाना पड़ेगा मुझे, इसमें मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। अगर आप वो काम कर सके, उस हिम्मत को जुटा सके, तो 100% आप आगे बढ़ेंगे।
आपको सक्सेस मिलेगी और आपका जीवन जो है वो सफल होगा, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपको सक्सेस 100% मिलेगी। तो लिब्रन, ये एक छोटी सी रीडिंग थी, आपके साथ कितनी मैच करी प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं जानती हूँ वीडियो बहुत छोटी बनाई है आज, और कोई बात नहीं, जो बातें जो मैसेज आप तक पहुँचाना था वो कुछ लोगों तक तो पहुँच ही गया होगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। प्लीज़ कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे आपको जानकारी देंगे। हाँ, रीडिंग जो है वो कॉल पर होती है और वो पेड है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।